आदाब नाजरीन आप देख रहे हैं ए टी एन में हूँ किफायतुल्ला सैद नाजरीन आप तमाम लोगों को पता है हमारा दौरा मलवना गुंदना गढ़त्तर का है दो दिन से मैं यहां पर चल रहा हूं और बहुत सारी जगहों से जो है आपको खबरें दिखाई और कुछ ऐसे खबरें भी दिखाई जो डिपार्टमेंटों ने पैसा पूरा ज़ाया किया है वहीं पर मुझे एक अच्छा काम दिखा तो मैंने सोचा कि लोगों तक इस खबर को पहुँचा दूँ इस काम को पहुँचा दूँ मैं इस वक्त गढ़ ए में हूँ और आबली मौसरी के ठीक साथ में ही एक मोड़ पर हूँ यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो लगभग पाँच करोड़ का है यहाँ पर एक होज बना हुआ है मेरे पीछे कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए इसको पाँच करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट और ये होज जो है यहाँ पर एक बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी पंद्रह हज़ार गैलन की है और काम मुझे अच्छा दिखा अच्छा दिखा तो तारीफ करना चाहा मैंने सोचा कि यहाँ पर आपको ये अच्छा काम भी दिखाऊँ मैंने यहाँ के लोगों से बात की ठेकेदार को ढूंढा और इस काम पर पहुँचा जब यहाँ पर पहुँचा तो ठेकेदार के साथ बात करने का दिल किया क्योंकि होज़ का काम अच्छा था मटेरियल अच्छा था लोगों ने बोला मटेरियल अच्छा लगा तो मेरे साथ इसके ठेकेदार हैं जिन्होंने इस काम को किया अच्छा काम हुआ है बहुत सारी जगहों पर जे, जे में बहुत सारी कंप्लेटें देखने को मिलती है चाहे वो डिपार्टमेंट के पास जाएँ या मीडिया के पास जाएँ हम अक्सर आपको दिखाते रहते हैं सबसे पहले ठेकेदार जी आपको मुबारकबाद दूंगा आपने काम किया लोग तारीफ़ करते हैं इसकी क्या वजह है पहले तो ये जानना चाहूँगा लोग तारीफ़ कर रहे हैं हर जगह जो है कम्प्लेंटें आती है यहाँ पर आपके सोच की तारीफ़ कर रहे हैं लोग बोल रहे हैं अच्छा मटेरियल लगाया गया है क्या थोड़ा सा बताइए शुक्रिया जनाब आपका यहाँ तक आप आए हैं तो आपके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं तो जितना मेरा यह है काम कि मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा होना चाहिए काम क्योंकि मुझे अपने गांव का काम है अपने इलाके का काम है मैं चाहता हूं कि जितना अच्छा इसमें काम बने वो ठीक होने चाहिए और मुझे और लोगों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे तरफ से कहीं पे कुछ गड़बड़ होगा काम पे, तो कुछ भी होगा तो मुझे बताएँ वो और उसके अलावा यहाँ पर आवाम है उनको पूछें कि काम कैसा कि हमने जैसा कि हमने देखा काम अच्छा हुआ है सुना मैंने कि जो जई हैं जल जीवन मिशन के वो बार बार यहाँ पर आते हैं उनकी देख देख में काम होता है आपसे जानना चाहता हूँ इसमें सरिया कौन सा लगाया गया सीम कौन सा डिपार्टमेंट की तरफ से अलाट किया गया था और कितने टाइम में होज को आपने कंस्ट्रक्ट किया मतलब इसको हो गए हमारे को कोई बीस दिन और सरिया इसमें है सरिया एम्बुजा सीम लगाया है जो मतलब जो आर्डर हमें मिला है कि इस आर्डर पर आपने काम करना है उसी के हिसाब से हमने लगाया है काम और शुरू भी किया है तो और जो जई साहब हमारा है तो वो हमें हर लिफ्ट पे यहाँ पे होता है जब भी काम होता है हम पहले जई साहब को फ़ोन करते हैं आप आए साइड पे हम उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंट का कितना कापरेट रहा जई का कितना कापरेट रहा और ख़ास करके जो यहाँ के आवाम है मौजूदा जो बाशिंदे लोग यहाँ के उनका कितना कापोरेट रहा इस आपके काम में क्योंकि पाँच करोड़ का काम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है हर घर नाल पहुँचाना है हर घर तक पानी पहुँचाना कितना लोग नहीं लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कॉपरेट किया है क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि लोगों ने मेरे साथ अच्छा कॉपरेट किया मैंने हर बार लोगों को बोला कि आप साइड पे आए और लोग साइड पे आते हैं कि देखते हैं वो काम हमारा कैसे चल रहा है उसके बाद यही हमारा जो है वो अच्छा है क्योंकि वो आप मतलब काम मतलब जब तक खुद नहीं आता है वो काम पे तब तक वो उसका हम नहीं कर सकते काम अच्छा अभी भी कितने कौन कौन से काम इस होज में जो मेरे पीछे होज थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा फिर से दिखाऊंगा इसको कौन कौन से काम इस होज में बचे हुए हैं जो अभी होने हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है शटरिंग ऊपर से की हुई है बाहर से भी कुछ प्लस्तर अभी हुआ नहीं है तो जानना चाहूंगा कि कौन कौन से काम अभी इसमें इसमें है। हमारा अभी डोम बकाया है जी। और प्लस्तर हमारा बकाया है अभी पलस्तर मतलब चार पाँच दिन तक इसका पलस्तर भी होगा और इसके ऊपर से डोम भी बन जाएगा तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक ग्रेविटी लाइन इधर से बिछी हुई है आपसे जानना चाहता हूँ आप अपनी ग्रेविटी लाइन जो आपकी होती है दो या ढाई इंच की उसका कितना मेज़ान होता है कितना नीचे उसको लेना होता है और उसके बाद जो है आ, पानी कब पड़ेगा इसमें इसमें पानी तो हमने खाली हमने पहुँचाई यहाँ पर तो अब इसका डेप्थ जो है वो दो फुट है और चौड़ा है डेढ़ फुट जी तो उसके अलावा मतलब यहाँ पर काम देखें पीछे काम आप साइड पर जाएँ और काम को देखें आप बहुत बहुत शुक्रिया ये थे मेरे साथ ठेकेदार साहब मैं इनसे यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा बहुत बात करूँगा आखिरकार काम कैसा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं काम जो होता है अच्छा हो तो तारीफ होती है बुरा हो तो क्रिटिसाइज होता है और आपको पता ही है कि मीडिया में दोनों चीज़ें दिखाना जो है बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर मुफ्ती गुलाम महमद रिजवी साहब हैं जो यहाँ पर मुलाजिम भी हैं अक्सर इनकी देख देख में भी काम हुआ है इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि काम कैसा हुआ और कितना आप इसको देख देख करते हैं रिजवी साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत असल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त आए यहाँ पर आप वालेकलम वरहमिल्ला जजाकल्ला आपका भी शुक्रिया आप इस इलाके में आए और इस काम को देखा अलहमद डिपार्टमेंट की तरफ से हम हमेशा इसमें निगरानी रखते हैं और हर वक्त में हम आते रहते हैं और जेई साहब हैं या सुपरवाइज़र साहब हैं वो हमेशा इसकी देख करते हैं हमारे ऑफ़िसर बहुत अच्छे हैं अलहदुल्ला जितना अभी तक काम हुआ है अभी तो काम चल ही रहा है लेकिन जितना काम हुआ है तो तकरीबन हमारी नज़रों से बहुत अच्छा गुजर रहा है लेकिन तब भी जय साहब आते हैं जब भी आ, इसकी पैमाइश वगैरह लेनी होती है तो काम को देख करके जेई साहब बिल बनाते हैं उसके अलावा हमारे जेई साहब अलहमदिल्ला अच्छे हैं और काम अभी तक जो हो रहा है हुआ है हमारी नज़रों में बिल्कुल काम अच्छा है सुनने में यह भी आया है कि जब भी आ, मतलब फाउंडेशन होती है खोदनी होती है या फर्श डालना होता है या कोई भी साइड से लिफ्ट भरनी होती है या डोम डालना होता है मतलब पर डे जो है यही साहब यहाँ पर आते हैं क्या ये सही है जी या तो जेई साहब खुद आते हैं या सुपरवाइज़र साहब को भेजते हैं या किसी जिम्मेदार मुलाजिम को भेजते हैं जो साइड पे आकर के उसको देखे और उनकी निगरानी में काम हो यानी डिपार्टमेंट की निगरानी के बगैर काम नहीं होता है अलहमदिल्ला अभी तक ऐसा ही हो रहा है जानना चाहूँगा कितने जो पॉपुलेशन है कितनी पापुलेशन को इस होज़ से पंद्रह हज़ार वाले हौज़ से फ़ायदा होगा और जो पूरा पाँच करोड़ का प्रोजेक्ट है वो कितने एरिया को कवर करेगा तकरीबन ये जो इलाका है इसमें तकरीबन डेढ़ से दो सौ दो सौ घर से प्लस तकरीबन आबादी है इसमें जिनको ये हौज़ कवर कर रहा है जिसमें पानी जा रहा है। अभी तक ये पानी जो जा, जा रहा था बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा था जिससे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था डिपार्टमेंट को भी मुलाजमीन को भी हमें भी और लोगों को भी तो अभी इसे राहत मिलने की उम्मीद है इनशाला जब इसमें पानी आएगा तो लोगों को भी पानी मिल जाएगा और वक्त पर मिलेगा लोगों में भी राहत इनशा ज़रूर होगी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के लोकल भी यहाँ पर हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करूँगा कि इनकी नज़र के सामने काम हुआ कैसा हुआ थोड़ा सा बताइए जो काम हुआ कैसा हुआ किस तरीक़ा का हुआ असलकम जी हम तो यहाँ पे काम करते हैं हम ही काम करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है काम यहाँ पे और जई साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं और हम जब भी काम करते हैं मटेरियल डालना होता है तो जई यहाँ पर मौजूद होता है किसी किस्म का दबाव तो नहीं होता है कि आप अच्छा मटेरियल लगाते हो तो ठेकेदार बोलता है नहीं जी काम करो नहीं काम जी करो। हमें किसी का दबाव नहीं है हम अपनी मर्जी से काम करते हैं और मटेरियल बहुत अच्छा लगाते हैं इसमें शुक्रिया